हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम सीखेंगे आकृति गिनना। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपके सामने एक आकृति दिख रही है। अब आपके सामने ऑप्शन है 4, 20, 5, 25, 6, 27, 6, 28। और ये MPPSC, SSC, रेलवे बोर्ड और किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे दिख रहा है, आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कैसे आप इसको काउंट कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले दोस्तों, ये जो बीच का ये जो वर्ग दिख रहा है अंदर का, अगर इससे गिनते हैं अपन, तो यहाँ से अगर वर्ग की बात करें तो एक वर्ग ये हो गया, और एक दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक पूरा मिलके कितना हो गया, पांच हो गया। बहुत सारे बच्चे यहीं से इसको समाप्त कर देते हैं, पांच इसमें वर्ग है। तो क्या 25 ये है, है ना? पांच वर्ग हो गए। लेकिन दोस्तों आपको एक जाएगा कि एक वर्ग इधर से बन रहा था, यहां से यहां आते हुए ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक वर्ग यहां बन रहा ऊपर, यानी कि कितना हो गया, एक बराबर 6 वर्ग हो गए। वर्ग तो कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 वर्ग में दो ऑप्शन आपके 27 और 28, दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। अभी 27 एक 28 है, त्रिभुज कितने हैं ये आपको गिनना है। 6 वर्ग तो आपका फिक्स हो गया, लेकिन ये त्रिभुज कितने हैं, 27 है या 28, ये आपको गिनना है। तो इसको गिनने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां से चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 × 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस वर्ग के अंदर के अपनों ने गिन लिए। अब वर्ग के जो बाहर की जो चीजें हैं इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, यानी प्लस के अपन 4 और गिन लिए अपनों ने, है ना, एक एक त्रिभुज सबको एक एक गिन लिया प्लस। अब किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है वो गिनते हैं। देखो एक का 3 के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि एक इसका इसके साथ हो रहा है ना, 2 और ये 3 और ये 4, यानी कि 4 ट्रायंगल और हो गए। यानी कि यहां देखो, ये यहां से ऐसे अंदर अंदर का सब गिन लिया अपन, बाहर की बात करें पर ये एक वाला 3 से जुड़ा हुआ है तो एक ट्रायंगल बना रहा। इसी तरह 2, 4 से जुड़ा हुआ है, 3, 5 से जुड़ा हुआ है, 4, 6 से जुड़ा हुआ है, यानी कि 4 ट्रायंगल और बन गए इसमें। अब और आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां से इस ट्रायंगल को आधा करते हैं बीच में तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, यहां से इधर गए तो एक और इधर बन रहा, यानी कि 2 और बन गए। फिर पूरे को एक बड़ा ट्रायंगल और बन गया, है ना, एक पूरा एक बड़ा ट्रायंगल बन गया। और दोस्तों यहां देखने वाली बात है कि यहां से इस वर्ग के ऊपर ये 3 और 2 मिलकर एक ट्रायंगल और बना रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको गिन देते हैं, 16 × 4 = 20, 4 = 24, 25 = 26, 27 और 28, तो कितने ट्रायंगल हो गए, 28 हो गए। तो 6 तो वर्ग हो गए और 28 ट्रायंगल हो गए। इन कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन अपना राइट हो गया दोस्तों। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। अगर ये एक और अगर भूल जाते तो आप 27 पे राइट कर बैठते, लेकिन आपको और ध्यान देने की बात है कि 28 इसमें सही है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने लाइक करें आप, और दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो बहुत सारे इस चैनल पर आते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वॉच फॉर माई वीडियो।